मैं अपने बेटे नाल चंडीगढ़ दे 17 सैक्टर विच घूम रहा सी। उत्थे उसने फरमाइश की कि वह काठी रोल खाना चाहता। मैं बड़ा हैरान सी कि काठी रोल की चीज़ हुंदी आ। उसनू पुछया पर उसने कोई बहुता तसली बख्श उत्तर देने की बजाए सिर्फ यही कहा कि आओ आपां जाके पहला काठी रोल लेंदे आ ते फिर तुहानू अपने आप ही पता लग जू कि यह काठी रोल की हुंदा। शायद ये उस वेले 50 रुपए का मिलिया सी। मैं देख के हैरान रह गया कि यह काठी रोल एक रोटी दे विच लपेटी हुई कुछ सब्जी सी अते उसनू गोल करके दुकानदार ने सानू दे दिता सी। वाह वाह वाह, मेरे तो रहा ना गया कि काका तू जो काठी रोल अज खा रहा, मैं अज तो 40-45 साल पहला हर रोज़ एक काठी रोल ही खांदा सी, अते वो भी मेरे मानसा वर्गे शहर जिसनू अजकल लोग पछड़िया कहते ने, उस शहर दे विच हर रोज़ बिना नांगा अनेक ही काठी रोल खाधे। तो मेरे काठी रोल कई तरह के होंदे सी। सब तो वध खाधे जाण वाले काठी रोल सी लून मिर्च दे काठी रोल अते गुड़ मक्खण दे काठी रोल। दुपहरे चाह दे वेले जो दुपहरे रोटियां बचिया हुंदियां उन्हां नू तवे ते सेकना, उन्हां उपर मक्खण लगा के नमक ते लाल मिर्चां घसा देनियां ते फिर दो रोटियां नू जोड़ के गोल करके चाह दे नाल छक लेना। सचमुच बड़ा स्वाद हुंदा सी ओह काठी रोल। अते अज तक मैनू उस काठी रोल दा होर बदली नहीं लभ्या भावें बहुत दुनिया गा ली। मेरा दूजा काठी रोल हुंदा सी उसे तरह रोटियां नू तवे ते सेकना, मक्खण विच भर लेना ते उहदे विच गुड़ कुट के पा लेना, फिर उन्हां दो रोटियां नू जोड़ के गोल करके छक लेनी है। यह काठी रोल आम तौर पर रात का भोजन खाने तो बाद छकया जाता सी। ते इस तों अलावा कई होर काठी रोल भी प्रचलित सन। वो काठी रोल आम तौर पर बचिया खुचिया सब्जियां नाल भर के जां अंब ते नींबू दे अचार दे मसाले नाल तैयार करके बनाए जाते सी। ते अज मैनू लग रहा कि मेरा मानसा शहर सचमुच 40-45 साल पहला चंडीगढ़ तो बेहतर सी, जिथे उस समय काठी रोल मिलते सन। मिलते नहीं बल्कि आम घर भी तैयार किए जाते सन। तुहानू लगता नहीं कि इन्ने वरे पहला मैं एक आधुनिक परिवार विच रहिंदा सी जिहड़ा काठी रोल खांदा हुंदा सी। चलो जी, जी कीता तां तुसीं भी अजे तजर्बा कर सकदे हो। यकीन जाणिओ अजिहे काठी रोल दा चंडीगढ़ दा काठी रोल कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिहड़ा काठी रोल अंब दे अचार नाल जां बनाए हुए करेलियां नाल जां गुड़ शक्कर नाल जां लून मिर्चां नाल तैयार किया जाता। यह काठी रोल आनंददायक हुंदा, तसलीदायक हुंदा ते घर दे विच अजिहा सुकून दिंदा जिस दी जिंदगी विच किते भी कल्पना नहीं की जा सकती। चढ़दी कला च रहो, मौजां माणो, वाहिगुरु तुहाडे सारिआं ते मेहर बना के रखे।